तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ BGMI के अंदर A5 जो रोल पास आने वाला है उसकी जो ऑफिशियल टाइमिंग क्या रहने वाली है, ऑफिशियल रिवार्ड क्या रहने वाले हैं, एंड जो ऑफिशियल डेट है गाइस वो क्या रहने वाली है। तो फिलहाल गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा बता दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत किया करो। अगर वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी होने वाले हैं A5 RP के अंदर गाइस, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा मेरे साथ, ठीक है। तो चलो गाइज वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिलहाल जैसे हम गाइज RP के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले गाइज आप इसका जो टाइमिंग है बहुत चेक कर सकते हैं। तो इसका गाइज जो अपना A4 रोल पास है उसकी जो एंडिंग डेट रहने वाली है A4 रोल पास की, वो रहने वाली है गाइज 4 मार्च सुबह 5:30 बजे, ठीक है ना। तो उसके बाद गाइज अपना 4 मार्च को ही सुबह 7:30 बजे जो आपको न्यू RP है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो ऑफिशियल डेट है एंड टाइमिंग है वो रहने वाली है 4 मार्च सुबह 7:30 बजे जो अपना न्यू रोल पास है A5 का, वो आपको BGMI के अंदर देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो गाइस, जो ऑफिशियल टाइमिंग है और ऑफिशियल जो डेट है वो 4 मार्च ही रहने वाली है। तो सुबह 7:30 बजे आपको A5 रोल पास आपको देखने को मिल जाएगा, और जो अपना A4 रोल पास है वो सुबह 5:30 बजे आपको एंड होता नजर आ जाएगा BGMI के अंदर गाइस। तो इनकी जो ऑफिशियल टाइमिंग है ये रहने वाली है। एंड इसके अलावा गाइस अभी चलते हैं अपना 1 to 100 जो रिवार्ड रहने वाला है BGMI के अंदर, वो भी मैं आपको गाइस एक एक करके सारे दिखा देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपको A5 रोल पास के अंदर 1 RP के ऊपर ये वाला जो आउटफिट है देखने को मिल जाएगा, फैटल फॉक्स नेम इस सेट का है गाइज, और इसका जो कवर है ये भी आपको 1 RP के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा गाइज 2 RP के ऊपर आपको ये वाला जो मिनी मटेरियल है ये देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा गाइज अगर आप 10 RP कर लेते हो तो आपको PP जो बाइजन है गाइज इसका जो स्किन है गाइज देखने को मिल जाएगा, जिसका नेम है शिनोवी आर्मर करके। तो 10 RP के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा गाइज आपको यूसी तो वापस आएगी, मिथिक एम्बलम भी आपको RP के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा गाइज 15 RP के ऊपर जाते ही हमें ये डीजी स्पिन नेम का जो गाइज इमोट है, फ्री वाले बंदे जो रोल पास नहीं ले पाते उनको ये मिल जाएगा डीजी स्पिन, और फनी टाइप का ये इमोट रहने वाला है। और इसके अलावा गाइज आपको नीचे चलते हैं 15 RP का जो RP वाले बंदे होते हैं उनको ये वाला जो फिनिश है प्लेन का ये देखने को मिल जाएगा। फिर वापस मिलेगी आपको UC वगैरह, और 20 RP जैसी करोगे आपको आप तो आपको गाइज ये वाला जो हेलमेट है देखने को मिल जाएगा, और आपको इसके तीनों लेवल चेक कर सकते हो 1, 2, 3। और इसके अलावा गाइज आगे चलते हैं, और आगे जैसे आप 25 RP कर लोगे तो फ्री वाले बंदों के लिए ये पैराशूट दिया जा रहा है, और जो UC वाले बंदे हैं जो UC लगाएंगे RP लेने के लिए उनको यहाँ से मिथिक एम्बलम। और गाइज यहाँ कुछ चेंजेस होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ अभी आपको 60 UC का वाउचर देखने को मिल रहा है, बट आप जब RP बाय कर लोगे A5 का BGMI के अंदर तो आपको यहाँ या तो प्रीमियम क्रेडिट देखने को मिलेगा, या फिर 50 UC का जो वाउचर होता है गाइज वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे चलते हैं गाइज, जैसे आप 30 RP कर लोगे आपको गाइज अपग्रेड जो कार्ड रहता है भाई वो देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा गाइज आपको 30 RP के ऊपर Win 94 का जो गाइज स्किन है वो देखने को मिल जाएगा, जो बंदे भाई कभी यूज़ करते ही नहीं है। और इसके अलावा गाइज नीचे चलते हैं तो आपको ये साइबर फाइटर जो 40 RP का आउटफिट है उसका गाइज आपको ये वाला जो इमोट है वो देखने को मिल जाएगा। और आगे चलते हैं गाइज, आपको UC वापस मिल जाएगी, और 35 RP के ऊपर आपको ये मिनी मटेरियल जो आपको हर RP के अंदर मिलते रहते हैं गाइज, और 40 RP के ऊपर जैसे आप 40 RP कर लोगे तो आपको साइबर सेट जो मिथिक रहने वाला है। जैसे आपको पता है कि गाइज जब से हमारा 100 RP स्टार्ट हुआ है तो आपको हर RP के अंदर 2 से 3 जो गाइज मिथिक वो दिए जाते हैं। तो फाइटर सेट और इसका जो कवर रहने वाला है, मास्क रहने वाला है, ठीक है, फाइटर मास्क कवर, तो ऐसा ही आउटफिट रहने वाला है मिथिक, ठीक है, ठीक ठाक सा है गाइज। आपको पता है कि सिर्फ मिथिक है, बस इसको रेड कलर दे रखा है तो मिथिक है, बाकी इसमें कुछ इतना खास रहने वाला नहीं है मिथिक ड्रेस के अंदर का, जो 40 RP का मिथिक ड्रेस होता है। और इसके अलावा गाइज आगे चलते हैं तो आपको भाई 45 RP के ऊपर इसका जो भाई आंखों वाला चश्मा है, ठीक है ना, जो फ्री वाले बंदे होंगे जो RP बाय नहीं करेंगे उनको ये मिल जाएगा। बाकी आपको मिथिक एम्बलम और यहाँ आपको वही वाउचर मिलेगा 50 UC का, या फिर आपको प्रीमियम क्रेट मिलेगा गाइस, और AG करेंसी भी आपको वापस मिल जाएगी। रूम भी काफ़ी आपको गाइस भर भर के मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और आगे चलते हैं गाइस, और 50 RP जैसे कर लेते हो आपको यहाँ अपग्रेड कार्ड, और आपको गाइस इस वाला जो गाइस A5 RP रहने वाला है BGMI के अंदर आपको ये वाला जो पैन है गाइज वो देखने को मिल जाएगा, जिसको आप गाइज अपग्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से अगर आपको अपग्रेड करना है तो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको गाइज RP के अंदर अपग्रेड गन मिलना स्टार्ट हो चुकी है तो ये मत समझो कि आपको AKM देंगे, M4 देंगे, स्कारल देंगे, ठीक है, या फिर M762 देंगे गाइज, आपको ऐसा कोई भी गन स्किन देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक है ना, किसी भी आरपी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बेकार से स्किन्स देखने को मिलेंगे अपग्रेड करने के लिए आरपी के अंदर। मेरी जान जो बंदे काफी आसल गा के बैठे हमें M4 जैस कारल देंगे वो भूल जाओ गाइज, आपको यही जैसे पैन हो गया, पिस्टल हो गया, SMG का कोई स्किन हो गया बेकार सा, ठीक है, ऐसे स्किन्स आपको देखने को मिल जाएंगे आरपी के अंदर। एंड जैसे गाइज आप 50 RP कर लोगे तो 50 RP के ऊपर आपको ये वाला पैन तो मिल जाएगा। और मैं आपको गाइज एक बात और बता देता हूँ, और सेम ही अपना वो कॉन्सेप्ट रहने वाला है 300 UC वाला, 720 वाला और 1900 UC वाला, ठीक है, 3 RP आपको देखने को मिल जाएगी A5 रोल पास के अंदर भी। और जैसे आपके पास UC होगी, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ रोल पास बाई कर सकते हो। बाकी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हर रोल पास बाई कर ही रहे हो कि कैसे आपको बाय करना है और कौन सा नहीं बाय करना है, अपने हिसाब से आप रोल पास बाय कर सकते हो गाइस। एंड जैसे आप 50 RP कर लेते हो तो आपको गाइस मिनी मटेरियल और आपको जो भाई आरपी पॉइंट है 52 RP पे मिल जाएंगे और यूसी वगैरह वापस मिलेगी। और जैसे गाइस आप 55 RP कर लेते हो तो पोपट जो है नेम करके यहां एक फनी सा इमोट और आपको फ्री आरपी के अंदर दिया जा रहा है गाइस। और नीचे चलते हैं गाइस, आपको इसी आरपी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, शॉटगन गाइस, S686 जो शॉर्ट गन है गाइज, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी 55 RP के अंदर। UC वगैरह तो आपको मिलने वाली है, मैंने आपको पहले बता दिया। एंड इसके अलावा गाइज इस वाली आरपी के अंदर आपको ये वाला जो बैकपैक है गाइज ये देखने को मिल जाएगा, और आप इसके तीनों लेवल चेक कर सकते हो। नॉर्मल सा बैकपैक है गाइज, मेरे को तो इतना बढ़िया लगा नहीं, आप नीचे कमेंट कर देना कि कैसा आपको ये वाला बैकपैक लगा है। बाकी आगे चलते हैं गाइज, तो जैसे आप 64 RP कर लोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ वही प्रीमियम क्रेट या फिर 50 UC का जो वाचर है गाइज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और 65 RP के ऊपर गाइज आपको आरपी का जो A5 RP है उसका अवतार, और नीचे आपको ये वाला जो ऑर्नामेंट है, ठीक है ना, फाइबर क्रैकर करके नीम है ऑर्नामेंट का, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और 68 RP के ऊपर आपको मिनी मटेरियल, और 70 RP जैसे कर लेते हो आपको फ्री वाले बंदे उनको मिल जाएगा ये वाला आउटफिट। और जो गाइज आरपी लेंगे उनको ये वाला जो व्हीकल का स्किन है गाइज, नाइट यंडर बस जो मीरामार में यूज होती है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगी 70 RP के ऊपर गाइज। इस बार का जो व्हीकल का स्किन है गाइज अच्छा नहीं है, यानी कि बस है, मीरामार कोई खेलता नहीं, बस कोई यूज नहीं करता, हर बंदा वही डासिया या फिर UP ही प्रेफर करता है गेम के अंदर। और आगे चलते हैं गाइज, जैसे हम आगे चलेंगे 75 RP के ऊपर आपको अपग्रेड कार्ड मिल जाएगा और आपको मिथिक एम्बलम मिलेंगे गाइज। रूम कार्ड तो आपको मैंने बता दिया कि मिलने वाले ही हैं। और गाइज आपको 80 RP करने के ऊपर भाई सबसे चूतिया स्किन मिलने वाली है, जो रहने वाला है पिस्टल का स्किन गाइज। ये कौन देता है भाई, मेरे को ये बताओ कौन डाल रहा है इसको गेम के अंदर पिस्टल को, बेकार काम कर रहे हो भाई। अच्छी स्किन्स डालो जिसमें मजा आए, हम आरपी भाई ज्यादा से ज्यादा बाय करें बंदे, ऐसी स्किन्स डालो, ठीक है ना, ये चूतिया स्किन देने से बढ़िया ना कोई बढ़िया स्किन डालो। बाकी नीचे चलते हैं गाइज, आपको जो स्मोक का स्किन है गाइज वो भी मिल जाएगा। और इसके अलावा गाइज अपना जो 100 RP का आउटफिट है, ठीक है ना, फेरी लस्टर करके उसका जो इमोट है गाइज आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक ठाक सा जो भाई इमोटा वो रहने वाला है, इतना खास भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि हाँ भाई इतना OP है ये वो है, जो भाई मेन ओपिनियन है यानी कि जो रियल ओपिनियन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना खास आरपी है अपना A5 का नहीं रहने वाला है, उसके अंदर जो खास होगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ खास है इस आरपी के अंदर गाइस। बाकी अपना 85 RP के ऊपर आपको मिनी मटेरियल या फिर आपको वही यहाँ से वाई 50 RP का वाउचर या मिनी वो क्या बोलते हैं इसको प्रीमियम क्रेट गाइस, बाकी UC वगैरह तो आपको वापस मिलेगी। बाकी गाइस 90 RP के ऊपर है, ठीक है ना, जिसके लिए बंदे आरपी बाय करेंगे M762 मिलने वाला है, और काफ़ी कतई जहर वाला M762 है गाइस, जैसे अपग्रेड होता है ना गाइस ऐसा स्किन लग रहा है, ठीक है ना, इसके लिए बंदे भाई आरपी बाई पक्का करेंगे क्योंकि M762 का जो स्किन है भाई कम ही आता है आरपी के अंदर, या फिर कोई ठीक है ना आपको कहीं मिलता है तो कम ही मिलता है। बाकी आपको आरपी के अंदर 90 RP के ऊपर ये M762 का जो स्किन है गाइस मिल जाएगा। बाकी आगे चलते हैं गाइस, अपग्रेड कार्ड या फिर मिथिक एम्बलम आपको 95 RP के ऊपर मिल ही जाएंगे। बाकी गाइस चलेंगे, जैसे आप 100 RP कर लोगे तो आपको गाइस अपना जो 100 RP का आउटफिट है वो देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो आउटफिट है गाइस, ठीक है, आपको पता है कि गाइस कहाँ का आउटफिट है, ठीक है, मेरे को नीचे कमेंट कर देना आपको पता है कि कहाँ किस कंट्री का ये आउटफिट है, ठीक है ना। बाकी अभी फिलहाल आपको पता है कि BGMI जिसके कारण बैन हुआ था तो फिर वही चीज़ें दे रहे हैं हमें BGMI वाले, तो फिलहाल गाइज आउटफिट ठीक ठाक सा है, ठीक है ना, इतना खास नहीं है। और आपको ये 100 RP करते ही मिल जाएगा, बाकी इसको अपने हिसाब से अपग्रेड भी कर सकते हो अगर आपको करना है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि बंदे करते हैं,
जिसका मन करता है भाई वो कर लेता है, बट मेरे को इतना खास नहीं लगा। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो भाई नीचे आप कमेंट कर देना कि आउटफिट बढ़िया है। मेरे को सिर्फ इस आरपी के अंदर M762 का जो गाइस स्किन है वो ओपी लगा, बस और कुछ खास लगा ही नहीं मेरे को इस आरपी के अंदर गाइस। और बाकी आगे चलते हैं गाइस, अगर आप भाई 100 आरपी कर लोगे उसके बाद जो अपना गाइज आरपी क्रिएट होता है, चॉइस क्रिएट होता है, उसका भी देख लो गाइज क्या लिक्स है। तो गाइज इसके अंदर गाइज आपको वही जो पुरानी आउटफिट मिथिक आउटफिट गन स्किन्स ठीक है जो होती हैं वही आपको देखने को मिलती हैं, जैसे 17 सीजन की, 2 सीजन की, फिर 2 सीजन, 3 सीजन ठीक है, ऐसे कुछ आपको जो गाइज आउटफिट हैं गन स्किन्स है वो देखने को मिल जाएंगी आपको आरपी चॉइस क्रिएट के अंदर गाइज। जिसके पास नहीं है वो निकाल सकते हैं, मेरे पास तो मेरे ख्याल से गाइज ये सिर्फ जो बनी सेट है ये नहीं है, बाकी मेरे पास सारा कुछ है इस क्रेट के अंदर गाइज। ये भी आपको नेक्स्ट A5 आरपी के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे चलते हैं, और इसके अंदर गाइज आपको मौली का स्किन और जो ये स्कूटर गाइज इसका स्किन देखने को मिल जाएगा, और आपको 900 यूसी के अंदर ये वाला जो इमोटा गाइज ये देखने को मिल जाएगा स्मोक ड्यूड करके। और इसके अलावा गाइज आपको ये वाला जो अपग्रेड स्किन है गाइज, यानी जो अपग्रेड इमोट है गाइज, स्किन है इमोट जो भी है गाइज, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसके लिए आपको 600 यूसी लगानी पड़ेगी। और कुछ यहाँ ये वाली छड़ियाँ होती हैं गाइज, इसको अपग्रेड करने के लिए चाहिए होती है जो आपको यूसी के अंदर ही मिलने वाली है। बाकी आपको गाइज वही होल्ड ठीक है, ग्रेनेड का स्किन जो चाहिए, फेस, ये व्हीकल, ये साइकिल, ये इमोट, ये आपको भाई फिर रिपीट देखने को मिल जाएगा A5 आरपी के अंदर मेरी जान। तो बाकी मेरे को नीचे गाइज कमेंट कर देना कि कैसा आपको A5 जो रोल पास है वो लगा। मेरे को तो सिर्फ एवरेज ही लगा गाइज, इतना खास नहीं लगा। उसके अंदर सिर्फ M762 का जो गाइज स्किन है वो ही बढ़िया, बाकी ठीक ठाक सा नॉर्मल सा आरपी है गाइज। तो गाइज मेरे को नीचे जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा आपको A5 रोल पास मेरी जान। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं मेरी जान, तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय गाइज।